साहिबगंज जिले में सिविल एसडीओ एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के बीच चल रहे विवाद में बुधवार को चिकित्सक संघ ने झांसा एवं आईएमए के बैनर तले चल रहे ओपीडी कार्य को बाधित किया, जहां पुराने सदर अस्पताल में एमसीएच केंद्र एवं नए सदर अस्पताल केंद्र में ओपीडी केंद्र दोनों जगहों पर चिकित्सकों के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। सभी कर्मचारी एवं चिकित्सक इमरजेंसी कार्य काला बिल्ला लगाकर करते दिखे। मामले में झांसा संथाल परगना के उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहन पासवान ने कहा है कि जिस प्रकार भरी सभा में सिविल सर्जन को अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अपमानित किया गया है, उसी प्रकार से सिविल एसडीओ को भरी सभा में सीएस से क्षमा मांगनी होगी एवं जब तक सिविल एसडीओ का स्थानांतरण नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं ओपीडी बंद रहने के कारण आम मरीज भटकते दिखे और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अनुमंडल पदाधिकारी और सीएस के बीच विवाद में ओपीडी बाधित है, झांसा के उपाध्यक्ष हैं, आप क्या कहना है? देखिए, ये ओपीडी जो बाधित है, हम लोग जो घटना घटी है उसमें बहुत ही क्षुब्ध होकर संज्ञान लिए कल, और हम लोगों का जो मास डिसीजन हुआ जिसमें कि आईएमए झांसा और कर्मचारी महासंघ के संयुक्त सौजन्य से जो बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि जब तक के अनुमंडला अधिकारी का यहाँ पे तबादला नहीं हो जाता और उसको सस्पेंड करके यहाँ पे नहीं भेजा जाता है तब तक हम लोग ये मास स्ट्राइक पे रहेंगे, लेकिन इमरजेंसी सेवा पूर्व की तरह बहाल रहेगी। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो है, जो भी उन्होंने शब्द का उपयोग किया, उन्होंने उसमें कहा कि मेरे द्वारा जो शब्द का उपयोग किया गया है हम उनके बारे में क्षमा मांगते हैं। किनसे कहें? सीएस के द्वारा, सीएस के जो अपमानित करने का जो मामला है, वो जो क्षमा याचना कर रहे हैं वो किनसे कर रहे हैं? हमसे तो उनकी कोई दुश्मनी है नहीं, हमसे तो कोई बैर नहीं है। उनको अगर क्षमा याचना करना है तो जिस तरह से भरे सभा में 72 लोगों पदाधिकारी के बीच में उन्होंने हमारे सिविल सर्जन को अपमानित किया, तो उस प्लेटफॉर्म पर उनको करनी चाहिए। और किनको क्षमा मांग रहे हैं, किनसे मांग रहे हैं, कब मांग रहे हैं, तो हम लोग को पता नहीं। दूसरा सवाल है सर कि जैसे कि ओपीडी बाधित है, इसमें जनता का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन झगड़ा जो है अनुमंडल पदाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की ओर है, तो इसमें जनता का कहां से दोषी है जो जनता इसका भुगतने के लिए? हम लोग इसी के लिए बैठे हैं, आप देख रहे हैं जितने डॉक्टर हम लोग बैठे हैं जनता के भले के लिए ही बैठे हुए हैं। और मान लीजिए ओपीडी बंद है, इमरजेंसी सेवा चालू है, हमारे डॉक्टर वहाँ सेवा दे रहे हैं, इसमें अगर किसी को भी थोड़ा भी गंभीर होता है तो वो इमरजेंसी सेवा जाके ले सकते हैं, दवा भी मिलेगा, लगाई। और हम लोग इसलिए बैठे हैं कि मान लीजिए कि कोई मेजर ट्रक एक्सीडेंट हो गया या फिर ट्रेन उलट गई या कोई डूब गया, तो हम लोग इसी के लिए बैठे हुए हैं और हम लोग अपनी सेवा देने के लिए बैठे। अगर अनुमंडल पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है तो झांसा का आगे क्या कार्यक्रम होगा? ये जैसा राज्य से निर्देश मिलेगा उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे।